नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका तपस्वी आइए में दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन स्टार्ट किया था जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन डिस्कस करे थे आज हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम एसिड रेन या एसिडिफिकेशन एंड एन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट डिस्कस करेंगे सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट का डिग्रेड हो जाना और नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं सॉइल बायोडाइवर्सिटी लैंड एयर एंड वाटर बॉडीज सो इन सभी के जो नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनका लेवल कम होनाटल डिग्रेडेशन इज मेकिंग दायरमेंट अनफिट और लेस सुटेबल फॉर सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स दे आर बाय कॉजिंग इमेंस इकोलॉजिकल डैमेज ठीक है सो इन्वायरमेंट का अनफिट हो जाना और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जिस तरह के एनवायरमेंट की नीड होती है जिस तरह का एनवायरमेंट रिक्वायर्ड होता है वो लेस सुबल हो जाना दिस इज नोन एस दी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अर्बनाइजेशन एंड एसोसिएटेड इंक्रीज इन ह्यूमन नीड्स एंड कंफर्ट्स की वजह से क्या होगा पॉल्यूशन बढ़ेगा ठीक है और पॉल्यूशन बढ़ने से इन्वायरमेंटल डिग्रेड होगा सो मेन जो इसका बेस है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से आता है अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अर्बनाइजेशन होगा ठीक है डिफॉरेस्टेशन होगा ठीक है क्योंकि सिटी एक्सपेंड होगी और सिटी को एक्सपेंड होने के लिए फॉरेस्ट को कट किया जाएगा तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है फिर डिमांड बढ़ेगी डिमांड बढ़ने से नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ेगा एंड दिस इज दिस में कॉज दी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन Or rapid industrialization any key Pollution. Right? So rapid industrialization in turn led to the over-exploitation of natural resources, and the consequences of such exploitation are evident in the form of soil erosion, desertification, loss of biodiversity, pollution of land, air, and water bodies. Okay. So this is about environmental degradation. Factors that led इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखिए दो तरह के फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है पहला है नेचुरल फैक्टर्स और सेकंड इज ह्यूमन फैक्टर्स सो नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि नेरिकेन टॉर्नेडोस कैरिना एंड वर्गनिक ओके सो इन सारे फैक्टर्स की वजह से इन्वायरमेंट uh, डिग्रेड होता है एंड दीज फैक्टर्स लेड टू दी लैंड डिग्रेडेशन थ्रू इरोजन ठीक है सो इरोजन से लैंड डिग्रेड होता है इरोजन से जो लैंड का अपर लेयर है ठीक है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है वो डैमेज हो जाता है ठीक और उसको सॉयल इरोजन बोलते हैं सेकेंड है ह्यूमन फैक्टर्स विच इंक्लूड डिफॉरेस्टेशन इंडस्ट्राइजेशन एंड अर्बनाइजेशन दीज फैक्टर्स लीड टू वॉटर एयर एंड लैंड पॉल्यूशन ओके टल डिग्रेडेशन टाइप्स में देखिए एक तो डिफोरेस्टेशन होता है सबसे पहले जानते हैं डिफॉरेस्टेशन के बारे में डिफोरेस्टेशन फॉरेस्ट को कट करना और उसके बाद जो लैंड बचा उस लैंड का डिफरेंट नीट के लिए उस लैंड का यूज करना ठीक है? जैसे कि फॉरेस्ट को कट करने के बाद जो लैंड हुआ उसका एग्रीकल्चर के लिए यूज करना ठीक है? या उसमें इंडस्ट्री सेटअप कर देना। तो ये सार इस प्रोसेस को बोला जाता है। सो इंक्लूड ट्रीज और डिराइव चारकोल्स आर यूज सोल्ड और फ्यूल और एस ए कमोडिटी वेल क्लियर लैंड इज यूज एस ग्रास लैंड फॉर लाइव स्टॉक प्लांटेशन ऑफ कमोडिटीज एंड सेटलमेंट ओके सो जो लैंड मिला उसका डिफरेंट डिफरेंट यूज जैसे ग्रास लैंड फॉर लाइव स्टॉक प्लांटेशन ऑफ कम्युनिटीज एंड सेटलमेंट इन पर लैंड का यूज करना राइट देन नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज एक्सटेंशन एक्सटेंशन यानी कि किसी पर्टिकुलर स्पीसी का एक्सटेंट हो जाना और इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं जैसे कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड ओके वो मैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन सब के बारे में कि एक्सटेंशन क्या होता है इसके अलावा टेम्परेचर राइज होना और वो पर्टिकुलर स्पीसी उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पा रही है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग एक इंपॉर्टेंट रीजन है इसका राइट सो इट इज द प्रोसेस बाई विच आज जेनस और फैमिली बिकम्स एक्सटेंट

ली फ्रॉम मैन मेड एक्टिविटीज इट इज मेनलीस्ड बाई ओवर ग्रेजिंग ओवर ड्राफ्टिंग ऑफ ग्राउंड वाटर एंड डाइवर्जन ऑफ वॉटर फ्रॉम रिवर्स फॉर ह्यूमन कंजम्पन एंड इंडस्ट्रियल यूज एंड ऑल ऑफ दीज प्रोसेस आर फंडामेंटली पॉपुलेशन सो फ्रेंड्स किसी भी एरिया में अगर वॉटर स्टेरिसिटी होती है तो उस एरिया का लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है

कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में एक एर सी है ठीक है सो वो सी एक समय में वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट लेक हुआ करता था लेकिन अब वो मोर देन सिक्सटी फाइव परसेंट ड्राई हो चुका है और उसका रीजन ये है वहां पर दो जो मेन रिवर्स थी एक अमुदरिया और सिरदरिया उन, उन रिवर्स का जो वाटर फ्लो था उसको टर्न करके उज्बेकिस्तान के में कॉटन प्लांटेशन के लिए उसको टर्न कर दिया गया उस वाटर को एक्सप्लॉयट किया गया ठीक है सो so, में जो नेचुरल वाटर आता था रिवर्स के थ्रू वो आना बंद हो गया ठीक देन क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रेसिपिटेशन भी वहां पर नहीं हुआ यानी कि रेनफॉल भी नहीं हुआ सो so, वो एरिया धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया पहले वो दो लेक में कन्वर्ट हो गया ठीक है फिर जो सेकेंड लेक थी यानी कि ईस्टर्न नदर लेक और सदर लेक सदर लेक फिफ्टी परसेंट से भी ज्यादा फिर से ड्राई हो गई ओके okay? सो so, इन सारी डिफरेंट डिफरेंट रीजन से भी डिजर्टिफिकेशन होता है और इसके कॉजेस है जैसे कि ओवरग्रेजिंग ओवरड्राफ्टिंग ऑफ ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना ठीक है ग्राउंड वाटर के एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अगर ग्राउंड वाटर को आप एक्सप्लॉयट कर रहे हो और अगर उधर ग्राउंड वाटर में दोबारा से रीसायकल करके वाटर वहां नहीं पहुंचा तो अगर वो पूरी तरह से ड्राई हो गया तो दोबारा से उस ग्राउंड वाटर को मतलब उस एरिया को रिवाइव नहीं किया जा सकता है ओके

अब जानते हैं एमिशन के बारे में एमिशन यानी कि हार्मफुल या टॉक्सिक गैसेस का एटमोस्फियर में एमिट होना ओके, एमिशन इन विच ह्यूमन और नेचुरल फोर्सेस डिस्चार्ज केमिकल्स और अदर सब्सटेंसेस इन टू दायरमेंट ओके एमिशन लीड्स टू पॉल्यूशन सच एज एमिशन इज कॉस्ड वेन केमिकल्स आर रिलीज इन टू एयर मेनी नेचुरल प्रोसेस कॉस्ट एमिशन नेचुरल प्रोसेस जैसे कि वेलकनो जब वेल्कन एक्सप्लोसन होता है तो उससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं ठीक है इट्स लेट्स आउट एसिड एश एंड मेनी टॉक्सिक गैसेस सो इसकी वजह से भी अमिशन uh, होता है यानी कि नेचरल प्रोसेस से भी एमिशन होता है देन वेन फायर ब्रेक्स आउट इन फॉरेस्ट दे रिलीज आउट स्मोक शूट कैसेनोजेनिक हाइड्रोकार्बन डाइक्सिस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड सो so, रीजन हमने देखे नेचुरल जो एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो वर्ल्कनो और फॉरेस्ट फायर इसके बाद ह्यूमन रीजन जो होते हैं ह्यूमन रीजन से जैसे कि वेकुलर एमिशन जो रिलीज होता है उससे एमिशन होता है इसके अलावा इंडस्ट्रीज से एमिशन होता है ओके सो ह्यूमन एमिशन इज मच मोर हार्मफुल देन नेचुरल फोर्सेस राइट इसके बाद इरोजन प्रोसीजर ऑफ वेदरिंग एंड कैरीज ऑफ सॉलिड इन दैचुरल इनवायरमेंट ऑफ दियर सोर्सिस एंडरिंग की वजह से ठीक है? है जैसे कि विंड के थ्रू होती है ओके okay? एयर के थ्रू होती है एंड वॉटर के थ्रू ठीक है इसके अलावा ग्रेविटी से भी होती है सो so, इन सभी से जो वेदरिंग होती है यानी कि जो नेचुरल natural, नेचुरली जहां पर सॉइल uh, है उस सॉइल का इरोड हो जाना ठीक है वहां से हट करके किसी दूसरी जगह सेटल हो जाना ओके सो एल्स द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड कैरिज ऑफ सॉलिड्स इन नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ सोर्स एंड डिपोजिट दम एल्स इट जनरली अकस ड्यू टू ट्रांसपोर्ट बाई विंड वॉटर और आइस और बाई स्लोप डाउन क्रीप ऑफ सॉइल यानी कि ग्रेविटी के ग्रेविटी की वजह से एंड अदर मटीरियल अंडर द्रेविटी और बाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स बरोइंग एनिमल इन दस ऑफ बायो इन सो इरोन का हमने देख लिया इरोजन यानी कि सॉइल की अपर लेयर का इरोड हो जाना और उस जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो कहीं और सेटल हो जाए राइट सो दिस इज नोन एज द इन और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ओके अब देखते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के मेजर कॉजेस मेजर कॉजिस हैं पर्टिकुलेट मैटर पर्टिकुलेट मैटर यानी कि एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स का आ जाना और एक डेफिनेट से ज्यादा बड़े पार्टिकल्स अगर सस्पेंड हो जाते हैं ठीक है तो वो आ, उनको जब इनहेल करते हैं तो वो क्या करते हैं अस्थमा ब्रोनकाइटिस इस तरह के डिसीजेस पैदा कर देते हैं राइट सो so, ये बहुत आ, एक तरह से डिग्रेड कर देते हैं एयर क्वालिटी को सो पर्टिकुलट मैटर बर्निंग ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिक की बर्निंग okay? so, से पॉलिक्लोरिनेटेड बायोफेनाइल एंड इट इज वेरी हार्मुल की बर्निंग डिग्रेडेशन का इंपॉर्टेंट कॉज है इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक एफ्लुएंटोज है सभी वॉटर बॉडी और सॉइल में मिल जाते हैं देन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जैसे कि पेन पी एन जो हमने स्मॉक इसके अलावा स्मोक भी होता है ठीक है so, सो स्मोक पेन ओजोन का फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल ओजोन का फॉर्मेशन ठीक है so, सो ग्राउंड देखिए ओजोन मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि ओजोन आ, एक अगर अपर टोपोस्फियर में बनती है ठीक है तो वो अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है लेकिन अगर ग्राउंड लेवल ओजोन बनती है तो वो बहुत हार्मफुल होती है ठीक है उसको इनहेल करने से बहुत सारी डिसीजेज होती हैं सो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट देन बिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड डिस्ट्रक्शन होने से जो फूड चेन है ठीक है वो डैमेज होती है क्योंकि जो ट्रॉपिक लेवल पे सबसे ऊपर कॉलोनीस आते हैं टाइगर वगैरह उनको एक बड़े हैबिटेट की नीड होती है और अगर उनको बड़ा हैबिटेट नीड नहीं मिलता है तो उसकी वजह से क्या होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं ओके सो है एंड डिस्ट्रक्शन देन एयर क्वालिटी और पर्टिकुलर एक ही टाइप की क्रॉप क्रॉप को बार बार अगर उसको उगाया जाता है तो उससे क्या होता है जो सॉयल होता है उसके जो नेचुरल न्यूट्रिय हैं वो खत्म हो जाते हैं ठीक है थीके? और नेचुरल न्यूट्रिय खत्म होने के बाद फिर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है और इससे सॉइल क्वालिटी डिक्रीज होती है ठीक है सो ओवर हार्वेस्टिंग देन ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग से राइज राइज होगा होगा तो जो भी एनिमल्स उस टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे या जो भी क्रॉप्स प्लांट ठीक है वो उस टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे उससे क्या होगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग से से ग्लेशियर्स मेल्ट मेल्ट होते हैं, ठीक है? और ग्लेशियर के होने वॉटर लेवल बढ़ेगा का लेवल बढ़ेगा और लैंड एरिया कम, कम हो जाएगा ओके फिर आता है ओवर एक्सप्लॉटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देखिए नेचुरल रिसोर्सेज का अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नेचुरली हम जो एयर वाटर और सॉइल uh, की क्वालिटी है उस सभी को uh, उसको कम करते जा रहे हैं ठीक है उसकी क्वालिटी डिग्रेड करते जा रहे हैं राइट right? फिर आता है डिफोरेस्टेशन ओवर ग्रेजिंग इंटेंसिव कल्टिवेशन ओवर इरीगेशन एटसेट्रा रिजल्ट इन दॉस ऑफ टॉप सॉइल एंड फर्टिलिटी ऑफ द लैंड प्रो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड लीड्स टू डिजर्टिफिकेशन ओके, okay? सो so, ये सभी इंपॉर्टेंट कॉजेस हैं फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इंक्रीज सेंसिटिविटी टू डिसीज देखिए जो भी कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं जैसे कि प्लांट्स फिशेस और अदर डोमेस्टिक एनिमल्स उनको जो मैन मेड मॉडिफाइड इकोसिस्टम में रहते हैं वो पेस्ट और डिसीजेस के लिए उनकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो नेचुरली जो उनके अंदर इम्यूनिटी लेवल होना चाहिए वो नहीं होता है ओके सो हैज स्पीडेड ऑफ डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन एंड कॉस्ट जेनेटिक रेजिस्टेंस इन पैथोजेंस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड और एंटीबायोटिक इनके ओवर यूज से क्या होता है उनमें कुछ एक आ, कुछ स्पेसीज ऐसी पाई जाती हैं जो उस इंसेक्टिसाइड के या पेस्टिसाइड के लिए एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती हैं, ठीक है और उसके बाद क्या होगा लॉन्ग टर्म में वो उन पे उन इंसेक्टिसाइड का इफेक्ट नहीं पड़ता है सो जेनेटिक रेजिस्टेंस आ जाना और बाद में जब सेकेंड टाइम जब उनको भी खत्म करना होगा तो और हायर लेवल के एंटीबायोटिक्स या इंसेक्टिसाइड यूज की जाती है जिससे कि फिर फर्दर उनका इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा और फिर फर्दर जेनेटिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा राइट right? सो so, इन सभी का यूज इसीलिए मना किया जाता है एंटीबायोटिक का यूज इसीलिए बोला जाता है कि एंटीबायोटिक ज्यादा नहीं लेनी चाहिए ओके देन इफेक्ट ऑन न्यूट्रिएंट रिसाइकिलिंग यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चरल फीड्स इंटरफियस विद द दैचुरल बायोजियोकेमिकल साइकिल देखिए बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब क्या हुआ जब हम आ, कि, किसी भी एयर को इनहेल करते हैं तो उस इनहेल इन्हेल इनहेल करने में क्या होता है बहुत सारे आइटम्स होते हैं मिलियंस ऑफ आइटम्स होते हैं ठीक है और उन आइटम्स का एक एक रिसाइकिलिंग होती रहती है यानी कि हमारे एंसेस्टर्स यानी या बहुत सारे अदर एनिमल्स उन सभी ने भी उस आइटम को कभी ना कभी इनहेल किया होता है राइट सो so, जो एनर्जी हम जनरेट करते हैं एनर्जी तो रिलीज हो जाती है लेकिन जो मिनरल्स हैं ठीक है मिनरल्स हैं वो उनका एक होती रहती है और इस प्रोसेस को बायो रिसाइकिलोकेमिकल साइकिल बोला जाता है राइट यानी कि जो भी हम खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स जो जनरेट हो रहे हैं उनका भी न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकिलिंग होता जाता है ओके सो फर्टिलाइजर को यूज करने से बायो बायोजियोकेमिकल साइकिल अफेक्टेड होती है राइट देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी सिटी का लॉस यानी कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन आर थ्रेटनिंग सर्वाइवल ऑफ मैनी एंडेंजर्ड स्पेसीज, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग एयर पॉल्यूशन इज मेकिंग द्लांट इन हॉस्पिटेबल ड्यू टू इवेंट्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग एसिड रेन ओसन एसिडिफिकेशन एटसेट्रा फिर अतः मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स और उसकी वजह से क्या होगा सी लेवल चेंज होगा सो ग्लोबल वार्मिंग इज पोजिंग सीरियस थ्रेट टू हिमालयन एंड पोलर इकोसिस्टम बाय मेल्टिंग स्नो एट अ फास्टर रेट राइज इन सी लेवल इन द फ्यूचर इज अ सीरियस थ्रेट टू कोस्टल सो मैंने आपको बताया कोस्टल लैंडफॉर्म क्या होगा उनका लेवल नीचे आ जाएगा मतलब वो उनसे ऊपर वाटर लेवल पहुंच जाएगा ठीक है डेप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस वाटर रिसोर्सेस का डप्लेट हो जाना यानी कि वाटर पॉल्यूशन हैज क्रिएटेड ट्रिमेंडस स्कैरसिटी ऑफ क्वालिटी रिसोर्सेस, रिसोर्सिसकेशन लॉट ऑफ एरेबल लैंड इज कन्वर्टेड टू वेस्टलैंड ड्यू टू इरोजन सैलिनिटी एंड लॉस ऑफ फर्टिलिटी अब इरोजन की वजह जैसे जो वेस्टलैंड में कन्वर्ट होता है एग्जाम्पल के लिए चंबल बैडलैंड की बात हम अगर करें चंबल बैडलैंड का क्या है टॉप सॉयल इरोड हो चुकी है ठीक है यानी कि वो एक तरह से उसको गली इरोजन बोला जाता है लैंड वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है क्रॉप प्लांटेशन नहीं हो सकता है ठीक है क्योंकि उसकी सॉइल की अपर लेयर लेयर टॉप पूरी तरह से डैमेज हो हो गई है इरोड हो चुकी है राइट चेंज इन वेदर पैटर्न द इंसिडेंस ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स चेंज इन वेदर पैटर्न हैव बिकम कॉमन ड्यू टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन सो ये सारे कॉन्सिक्वेंसिस है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के इसके बाद मैं यहां एक टॉपिक और आपको बताना चाहता हूं ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम क्या है नेचुरल इकोसिस्टम की तरह एक दूसरा इकोसिस्टम बनाना ठीक है सिमिलर टू नेचुरल इकोसिस्टम और वो ह्यूमन ही ह्यूमन के थ्रू मॉडिफाई किया गया है राइट और इसके एग्जाम्पल्स हैं एग्रो इकोसिस्टम प्लांटेशन फॉरेस्ट रूरल एंड अर्बन इकोसिस्टम्स एक्वाकल्चर ओके दीज ऑल आर ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम्स इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है हाईली अनस्टेबल अनसस्टेनेबल एंड द इनवायरमेंट हाईली सिंप्लीफाइड विद अ वेरी लो स्पीसी डायवर्सिटी एंड पुअर न्यूट्रिय साइकिलिंग ठीक है क्योंकि ये क्या है उसको सिंप, सिंपल कर दिया है ह्यूमन ने जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको सिंप्लीफाई जब कर देता है तो उसकी वजह से क्या होगा न्यूट्रिएंट साइकिलिंग डैमेज होगी ठीक है फूड चेंज डैमेज होगा ठीक है और स्पीसीज की डायवर्सिटी भी कम हो जाएगी यानी कि अगर किसी भी इकोसिस्टम को अगर सिंप्लीफाई किया जाता है तो सिंप्लीफाइड इकोसिस्टम वो बेटर नहीं होता है जितने डाइवर्सिफिकेशन होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग होगा ठीक है फूड चेंज आर सिंपल स्मॉल एंड अंडर गो फ्रीक्वेंट चेंजेस डिपेंड ऑन ह्यूमन सपोर्ट फॉर सर्वाइवल यानी कि एंथ्रोपोजेनिक सपोर्ट स्पीसीज आर हाईली ससेप्टिबल टू एपिडेमिक डिजीजेस हाईली सब्जेक्टेड टू सॉइल इरोज़न एंड सॉइल डिग्रेडेशन रीजनरेशन एंड रिकवरी ऑफ इन्वायरमेंट इज वेरी स्लो सम एडवर्स इफेक्ट्स आर इरिवर्सिबल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अब देखिए वन बाय वन इन मैन मेड इकोसिस्टम को देखते हैं सबसे पहले जानते हैं एग्रो इकोसिस्टम के बारे में एग्रो इकोसिस्टम्स आर लार्ज एरियाल क्रॉप आर कल्टिवेटेड क्रॉप्स आर मोस्टली कल्टिवेटेड एस मोनोकल्चर मोनोकल्चर यानी कि एक ही टाइप की क्रॉप को उसको बार बार ग्रो करना दर फील्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रो इकोसिस्टम्स देखिए एग्रो इकोसिस्टम के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि दे अट्रैक्ट वीड्स वीड्स यानी कि अनडिजाइरेबल स्मॉलर प्लांट्स एंड ससेप्टेबल टू प्लांट डिसीजेसोयल आर प्यर डेफिशियंट इन न्यूट्रिय रिक्वायर सप्लीमेंटेशन ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर ठीक है न्यूट्रिय कम होंगे सो so, आर्टिफिशियल या केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है राइट नीड आर्टिफिशियल इरीगेशन एंड वॉटर मैनेजमेंट सो दीज आर दैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रो इकोसिस्टम्स डिसएडवांटेजेस ऑफ एग्रो इकोसिस्टम लार्ज स्केल मोनोकल्चर ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स रिजल्ट इन सीवियर लॉस ऑफ नेटिव बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट ओके सो मोनोकल्चर यानी कि एक ही तरह की क्रॉप को बार बार ग्रो करना सो so, मोनोकल्चर की वजह से एक ही तरह की क्रॉप को जब बार बार ग्रो किया जाएगा तो उस लैंड की जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी ओके हाई ईडिंग वेराइटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स आर मोस्ट ससेप्टेबल टू डिसीजेस यानी कि जो सीड्स हैं उनसे एक ज्यादा क्वांटिटी का जो क्रॉप मतलब प्रोड्यूस होना ठीक है हायर लेवल का हायर ईडिंग यानी कि एक कम सीड से ज्यादा क्रॉप का प्रोड्यूस होना सो हाई ईडिंग वैराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स आर मोस्ट ससेप्टेबल टू डिसीजेस ये जो क्रॉप्स होती हैं हाई ईडिंग वेराइटी क्रॉप्स वो डिसीजेस के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होती हैं राइट एग्जाम्पल ऑफ़ सुगर क्रेन मेज एंड सोरगम एंड क्रॉप फ्रॉम पेस्ट एंड डिसकेमिकल्स विच पॉल्यूट दलरेडी बताया कि किस तरह से पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इनका यूज हार्मुल होता है ओके okay? सो so, लेकिन इस तरह की क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज करना जरूरी होता है और इनके यूज करने से एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन well well होगा यानी कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने लगेगा राइट रन ऑफ वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चर फीड्स लेडन विद फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स पॉल्यूट रिवर लेक एंड पॉइंट्स, यानी कि यूट्रोफिकेशन यूट्रोफिकेशन यानी कि एक्सेस न्यूट्रिएंट्स का वाटर बॉडी में आ जाना और यूट्रोफिकेशन बेसिकली मैन मेड यूट्रोफिकेशन को ही यूट्रोफिकेशन कहा जाता है जब मैनमेड एक्टिविटी से एक्सेस न्यूट्रिएंट्स वाटर बॉडी में ट्रांसफर होता है दिस प्रोसेस इज नोन एज दूट्रोफिकेशन इसके बाद आता है प्लांटेशन फॉरेस्ट ठीक है सो हमने एग्रो इकोसिस्टम देख लिया अब प्लांटेशन फॉरेस्ट देखिए क्या होता है इट इज मैनमेड इकोसिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर ट्री स्पीसीज यानी एक ही एरिया में किसी एक खास तरह की ट्री स्पीसीज को ग्रो करना ओके के एम इज टू ग्रो फास्ट ग्रोइंग ट्रीज विच आर कॉमर्सियली वैल्यूएबल एग्जाम्पल पाम रबर यूकेलिप्ट के सारे जो ट्रीज हैं बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और कॉमर्सियली और इकोनॉमिकली इनकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है ट्री प्लांटेड ऑन बैरन लैंड प्राइवेट लैंड विलेज पंचायत लैंड रोड साइड कैनाल बैंक विद रेलवे फॉर एग्रीकल्चर इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेटरिस्टिक्स हैं वो देखिए प्लांटेशन फॉरेस्ट आर जनरली मोनोकल्चर, एक ही टाइप के ग्रो किया जाते हैं लाइक ऑयल पाम प्लांटेशन रबर प्लांटेशन कॉफी प्लांटेशन जेट्रोपा क्रिकेयर ठीक है, है ये बायोडीजल के लिए प्लांटेशन इसका होता है एंड प्लांटेशन हैव ट्रीज़ ऑफ़ सेम एक साथ ग्रो किया जाता है यानी कि एक साथ उनको कट किया जा सके और उनका कॉमर्सियली एक्सप्लॉर्टेशन एक साथ हो ठीक है प्लांटेशन फॉरेस्ट आर हाईली ससेप्टेबल टू पैथोजन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस tree plantation are raised for fruits oil rubber coffee timber firewood pulpwood for making rayon and paper industries trees are also planted to serve as windbreaks or shelter belts okay? tree plantation are also raised for controlling soil erosion and for increasing soil fertility तो देखिए ट्री प्लांटेशन किस तरह से सॉइल फर्टिलिटी को बेनिफिट करता है और किस तरह से सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है ट्री प्लांटेशन का जो ट्री का मेन पर्पस क्या होता है वो सॉइल को होल्ड करके रखता है जब सॉइल को होल्ड करके रखेगा उसकी जो रूट्स होती है वो सॉइल को होल्ड करती है ठीक है सॉइल को होल्ड करने से सॉइल इरोज सॉइल का इरोजन नहीं हो पाता है ठीक है और जो न्यूट्रिय हैं वो सॉइल में मेंटेन रहते हैं जिससे कि उसकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है इसके बाद आता है एक्वाकल्चर एक्वाकल्चर इज द आर्टिफिशियल कल्टिवेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स ठीक है सो एक्टिक प्लांट्स और एनिमल का जो आर्टिफिशियल कल्टिवेशन होता है यानी कि मैन मेड मैन मॉडिफाइड इकोसिस्टम में इनका जब कल्टिवेशन होता है उसको एक्वाकल्चर बोलते हैं इट इज प्राइमरीली कैरीड आउट फॉर कल्टिवेटिंग सर्टेन कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट एडेबल स्पीसीज ऑफ फ्रेश एंड मेरीन वॉटर फिशेस ठीक है मोलूस क्रस्टेसियस एंड एक्वेटिक प्लांट्स। अच्छा देखिए फिशरीज और एक्वाकल्चर में क्या डिफरेंस होता है सो फिशरीज इंक्लूड ऑफ़ फ़ूड फ्रॉम दी एंड फ्रेश वाटर, वेयर इज एक्वाकल्चर इज रियरिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इन आर्टिफिशियली मेड वाटर बॉडीज एग्जाम्पल कल्चर ऑफ फिश लाइक काब्स टिलेपिया ठीक है ऑल्सो नोन एक्वेटिक चिकन टू टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर एक तो फिश फार्मिंग और फिश रैंच तो देखिए क्या है फिश फार्मिंग इज द कल्टिवेशन ऑफ फिश इन अ कंट्रोल्ड इनवायरमेंट ऑफ एन अस्टल और इनलैंड पॉन्ड लेक रिजर्वायर और राइस फीड एंड हार्वेस्टिंग वेन दे रीच द डिजायर साइज ओके देन फिश रैंचिंग क्या होता है फिश रेंचिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग फिशेज इन कैपिटिविटी फॉर दी फर्स्ट फ्यू इय इन फ्लोटिंग केजेस In coastal lagoons and releasing them from captivity into water bodies. Adults are harvested when they return for spawning to the lagoons. Example Salmon and Hilsa, which migrate to rivers to spawn, are cultivated by fish ranching method. Okay? Merits of aquaculture. जिकल एफिशियज हाई तो एक्वाकल्चर की ओनली टू के जी ऑफ ग्रेन टू एड वन के जी लाइफ वेट हाई ईड इन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वॉटर इम्प्रूव क्वालिटी ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग सो जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या होता है फिश की क्वालिटी इंप्रूव की जाती है ठीक है और ब्रीडिंग के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नई स्पीसीज जनरेट की जा सकती है एक्वाकल्चर रिड्यूस ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ फिशरीज हाई प्रॉफिट ओके डीमेरिट्स ऑफ एक्वाकल्चर लार्ज इनपुट्स ऑफ फीड वॉटर एंड लैंड इज रिक्वायर्ड लॉस ऑफ नेटिव एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी सो जो नेटिव एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है वो काफी उस, मतलब कम हो जाती है वो उसका लॉस होता है एज इट इज रिप्लेस बाई मोनोकल्चर ऑफ कॉमर्सियली इंपॉर्टेंट फिश स्पीसीज

जो प्लांटेशन एरिया है वहां पर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है जो कि टू द रन ऑफ वाटर बॉडी में ऐड हो जाता है ठीक है सो एक्वाकल्चर फिशेस उस पेस्टिसाइड रन ऑफ से के लिए काफी सेंसिटिव होती हैं इन एक्वाकल्चर पॉइंट्स हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इज मेंटेन्ड दैट मेक देम हाई वल्नरेबल टू डिजीजेस लीडिंग टू टोटल कोलैप्स ऑफ द क्रॉप्स डैम रिजर्वयर एंड डायवर्जन डैम बिल्ड इन ओवर टू स्टोर रिवर और टाइडल रिलीज इट एज नीडेड फॉर कंट्रोलिंग और मॉडरेटिंग फ्लड सो देखिये डैम कासलिए बनाया जाता है जब भी वॉटर एक्सेस में है किसी भी रिवर में जब वॉटर एक्सेस में हो जाता है तो उसको स्टोर कर लेना ठीक है और जब भी वाटर की है तब उसको रिलीज करना इसके साथ ही एनर्जी जनरेशन के लिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वाटर का यूज करते हैं उस हाइड्रोलिक एनर्जी का यूज करते हैं उसको मैकेनिकल मैकेनिकल और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ओके सो so, कंट्रोलिंग और मॉडरेटिंग फ्लड्स के लिए यूज किया जाता है प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड सप्लाई वाटर फॉर इरीगेशन इंडस्ट्री एंड अदर यूज टू रूरल सब अर्बन एंड अर्बन एरिया सपोर्ट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज सच है स्विमिंग एंड बोटिंग एडवांटेजेस ऑफ डैम्स वाटर रिलीज फ्रॉम डैम्स इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ये मैंने आपको बताया कि हाइड्रोलिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू टर्बाइन और उसके बाद डायनमो का यूज करके उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ओके सो डैम में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं वहां पर वाटर या हाइड्रोलिक एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन होता है देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन कोल एंड हेंस रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में देखिए हम देख रहे हैं कि उसमें कोल का यूज नहीं कर रहे हैं यानी कि जो थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं उधर पे कोल का यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है यहाँ और उसकी वजह से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है यहाँ पर क्या हो रहा है कोल का यूज नहीं हो रहा है इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हो जाएगा रिड्यूसेस डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग ओके सो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए भी डैम इंपॉर्टेंट है रिवर रिवर्सिटिंग बिलो सप्लाई इरिगेशन वाटर फॉर क्रॉपलाइन ठीक है सो so ये सारे एडवांटेजेस हैं डैम्स के एंड वट आर दिसएडवास टैम्स परमानेंटली सम्मज लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट एंड क्रॉप लैंड सो जो काफी बड़ा एरिया है जहां पर डैम बना है और वॉटर को स्टोर किया जा रहा है तो उसमें क्या फॉरेस्ट और क्रॉपलैंड काफी बड़े एरिया सम्मज रहता है कंटिन्यूसली सम्मज रहता है वाटर के अंडर ओके डिस लार्ज नंबर ऑफ नेटिव पीपल जो नेटिव पीपल हैं उनको डिसप्लेस किया जाता है उस एरिया से ठीक है इंक्रीज वाटर पॉल्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ रिड्यूस्ड वॉटर फ्लो रिड्यूस न्यूट्रिय रिप्लेसमेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम फ्लड प्लेन डिसरप्ट स्पॉनिंग एंड माइग्रेशन ऑफ सम फिश स्पीसीज ठीक है हाई कॉस्ट एंड लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड ओके सो ये सारे डैम्स के डिसएडवांटेज हैं इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि बेसिकली जो एरिया है एरिया और वो है और वहां पर रहने वाले जितने भी नेटिव पीपल हैं बायोडाइवर्सिटी डैमेज हो रही है।, फिर, भी हो रहा है क्योंकि अपर लेयर कंटिन्यूसली वॉटर के अंडर है तो उससे सॉइल इरोजन होगा राइट सो ये डैम्स के डिसएडवांटेजेस हैं। अब स्टार्ट करते हैं एसिड रेन या एसिडिफिकेशन एसिड रेन रिफर्स टू एनी प्रेसिपिटेशन इज मोर एसिडिकॉर्मल हो सकता है और इनका अगर से कम हो जाएगा ठीक है तो वो उसके नॉर्मल या न्यूट्रल कितना होता है सेवन सो सेवन इज अमल ओके और सेवन से कम हो जाएगा तो वो एसिडिक होगा ठीक है और सेवन uh, से कम यानी कि 5.6 5.6 से कम अगर है तो उसको एसिडिक कंसीडर किया गया है सो पीएच ऑफ लेस देन 5.6 इज अ एसिडिक एसिड रेन इज कॉस्ड बाय एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन फ्रॉम एसिडिक गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एमिटेड फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉजिल फ्यूल्स ठीक है सो बर्निंग ऑफ फॉजिल फ्यूल्स यानी कि कोल की बर्निंग कोल में सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है जिससे सल्फ्यूरस स्मोक भी जनरेट होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में फिर वेकुलर एमिशन से नाइट्रोजन ऑक्साइड जनरेट होता है सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट होता है ओके इट दैट एसिडिक स्मोक फॉक मिस्ट मूव आउट ऑफ द एटमोस्फियर एंड सेटल ऑन डस्ट पार्टिकल्स विच इन टर्न एकट ऑन वेजिटेशन एज एसिड डिपोजिशन वेन रेनफॉल्स एसिड फ्रॉम दीज डिपोजिशन लीक एंड फॉर्म एसिड ट्यूज देखिए क्या हो रहा है नाइट्रोजन uh, के जो ऑक्साइड है वो एटमोस में जो पर्टिकुलट मैटर है या डस्ट पार्टिकल्स है उनमें सेटल्ड हो जाता है उनसे चिपक जाता है ठीक है और बाद में ड्यू टू ग्रेविटी जो वेजिटेशन है उसमें आकर के वो डिपोजिट होता है ठीक है या फिर अगर रेनफॉल हो रहा है तो रेनफॉल से में रेन में मिल करके Uh, और वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर बाद में नीचे उसका प्रेसिपिटेशन होता है राइट द पीएच स्केल द पीएच स्केल इज अ मेजर ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक अ सोल्यूशन इज ठीक है सो पीएच की जो रेंज है वो जीरो से फोर्टीन तक होती है जिसको सेवन में सेवन पीएच इज न्यूट्रल सेवन को न्यूट्रल बोला गया है पीएच लेस देन सेवन इज एसिडिक एंड ग्रेटर देन ग्रेटर इज बेसिक ज बेस्ड ऑन हाइड्रोजन ऑयन कंसेंट्रेशन इन एन एक्वे सोल्यूशन ठीक है सो एक्वे सोल्यूशन वॉटर के सोल्यूशन जो है जो जहां पर भी वॉटर कंटेंट प्रेजेंट है उसमें हाइड्रोजन ऑयन का कितना कंसंट्रेशन है पीएच वैल्यू डिक्रीजेस एज हाइड्रोजन ऑयन लेवल इंक्रीजेस हाइड्रोजन ऑइन का अगर लेवल इंक्रीज हो रहा है तो पी एच लेवल क्या डिक्रीज होने लगता है अ सोल्यूशन विद पीएच फोर टेन टाइम्स मोर सॉल्यूशन विथ पीएच फाइव ठीक है सो पीएच एच फाइव का जितना एसिडिटी होगी पीएच फोर की टेन टाइम्स ज्यादा एसिडिटी होगी राइट सो जिस तरह से नंबर बढ़ रहा है, ये, sorry, कम हो रहा है उस तरह से एसिडिटी टेन टाइम्स इंक्रीज हो रही है और बेसिक basic, बेसिडिटी uh, वो टेन टाइम्स इंक्रीज हो रही है एंड हंड्रेड टाइम्स मोर एसिडिक देन सोल्यूशन विध पी सिक्स ओके okay, सर so 10 के मल्टीपल में एसिडिटी बढ़ती जाती है जैसे-जैसे पीएच पीएच का नंबर कम हो रहा है टाइप्स ऑफ एसिड डिपोजिशन एसिड रेन इज ब्रॉड टर्म डिफरेंट टू अ मिक्सचर ऑफ वेट एंड ड्राई डिपोजिशन देखिए वेट डिपोजिशन और ड्राई डिपोजिशन दो तरह के डिपोजिशन होते हैं एटमॉस्फेयर में उनके उस उस बेसिस पर एसिड रेन को अलग-अलग नाम दिया गया है ठीक है सो वेट डिपोजिशन क्या होता है द एसिड केमिकल्स इन दर आर ब्लोन इन टू दरिया इज वेट वेट यानी कि वहां पर रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन हो रहा है ठीक है मिस्ट एस दॉटर फ्लो ओवर एंड थ्रू द्राउंड इट अफेक्ट अ वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स राइट पोजिशन क्या होता है इन दरियाज The is dry, वहाँ नहीं हो रहा है ठीक है सो आप जो ओल्ड मोन्यूमेंट होते हैं हेरिटेज बिल्डिंग वगैरह हैं वो एसिड रेन या ड्राई डिपोजिशन के लिए बहुत ससेप्टेबल होते हैं ओके

फ्रॉम नेचुरल एंड मैनमेड सोर्सेस ठीक है नेचुरल सोर्सेस जैसे कि वर्कनिक प्रोसेस से ठीक है रिलीज हो सकता है जो सल्फर और नाइट्रोजन सो नेचुरल और मैनमेड यानी कि वेकुलर एमिशन इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो ओके सो सम ऑफ दीज ऑक्साइड फॉल बैक डायरेक्टली टू द्राउंड एज ड्राई डिपोजिशन

ट नाइट्रेट एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन फॉर्स एज वेट डिपोजिशन देखिए यहां पर जो सोर्सिस हैं एक तो वोलिटाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड वीओ सी सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड एच डी मर्करी ठीक है देन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और एनओ एक्स ये भी रिलीज होते हैं सो so, सोर्से ये गए ठीक है और बाद में जाकर के एटमोसफियर में जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं ठीक है थीके? उनमें पॉल्यूटेंट्स जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हो गए या पर्टिकुलर मैटर हो गया उनमें सेटल आउट हो जाते हैं सो पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स इन द एटमोसफियर और एंड गैसेस पॉल्यूटेंट्स इन द एटमोसफियर उनसे मिक्स हो गए ठीक है मिक्स होने के बाद जैसे कि ओजो आ, मैंने बताया आपको स्मोक बन जाता है ओजोन ग्राउंड लेवल ओजोन बन जाता है सो so, इनका या तो ड्राइड डिपोजिशन होगा यहां पर सेटल आउट हो जाएंगे ठीक और या फिर जब प्रेसिपिटेशन होगा सो प्रेसिपिटेशन होने के बाद ये वॉटर वाट, ये से मिक्स होकर के जब इनका नीचे की तरफ आते हैं इसको वेट डिपोजिशन बोला जाता है ओके सो ये दो टाइप के डिपोजिशन है वेट और ड्राई डिपोजिशन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन एसिड प्रेसिपिटेशन अफेक्ट्स बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स इट ऑल्सो डैमेजेस बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट अब देखिए लास्ट टॉपिक है आज का इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट इज अ फॉर्मल प्रोसेस यूज टू प्रिडिक्ट एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखिए हम सभी जानते हैं एवरी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी या एवरी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैज सम इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट लेकिन जिस तरह से

किस तरह से इस प्रोजेक्ट का इफेक्ट इन्वायरमेंट में पड़ेगा और कितना पड़ेगा यह प्रोजेक्ट स्टार्ट होना चाहिए या नहीं राइट सो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट इन इंडिया इज स्टेचरी बैक्ट बाई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन नाइनटीन एटी सिक्स विच कंटेन्स वेरियस प्रोविजन ऑन एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट मेथोडोलॉजी एंड प्रोसेस राशनल बिहाइंड एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट

लैंड कितना हार्मफुल होगा ओके लाइवलीहुड और इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा इन सभी के बारे में एक राशनल थिंकिंग डेवलप करता है ओके पोटेंशियल हार्मफुल आर द इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट प्रोसेस आइडेंटिफाइज द मेजर्स टू मिनिमाइज दिस इंपैक्ट और किस तरह से इन जो इंपैक्ट है उनको मिनिमाइज किया जा सके उसके इंपैक्ट को कम किया जा सके उसके लिए भी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट वर्क करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट आइडेंटिफाई दायरमेंट सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट प्रायर टू टेकिंग अ डिसीज़न ऑन इट्स इंप्लीमेंटेशन सो प्रोजेक्ट के जो उसको इंप्लीमेंट करने से पहले उसके इन्वायरमेंट सोशल और इकोनॉमिक इंपैक्ट को आइडेंटिफाई करना ओके एंड मिटिगेशन ऑफ हार्मफुल इंपैक्ट एंड मैग्सिमाइजेस देनिफिशियल इंपैक्ट जो हार्मफुल इंपैक्ट है उनको किस तरह से रिड्यूस किया जाए ठीक है और बेनिफिशियल इफेक्ट को किस तरह से मैक्सिमाइज किया जाए सो so, इस पूरी प्रोसेस को इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट बोलते हैं वंस वज असेसमेंट इज कंप्लीट द इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट फाइंडिंग्स आर कम्युनिकेटेड टू ऑल स्टेक होल्डर्स विज ए विज डेवलपर्स इन्वेस्टर्स रेगुलेटर्स प्लानर्स पॉलिटिशियंस एंड अफेक्टेड कम्युनिटीज ओके

ठीक है उसको अगर उस डेटा को अगर इनकॉपरेट करता है तो वो कॉम्प्रहेंसिव ई होता है एंड इफ दी ई रिपोर्ट हैज ओनली वन सीजन डेटा देन इट इज कॉल्ड रैपिड ई आई दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड इट इज सबमिटेड टू दी रेगुलेटरी एजेंसी द एजेंसी में देन डिसाइड इफ द प्रोजेक्ट में गो फॉर फॉर्मल ई और नॉट ठीक है सो so, ये रिपोर्ट सबमिट करता है रेगुलेटरी एजेंसी को फिर रेगुलेटरी एजेंसी डिसाइड करती है कि इस प्रोजेक्ट को फॉर्मल इन्वायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट टीम के पास भेजा जाए या नहीं ओके okay? देखिए क्या हो रहा है इनवायरमेंट जो कंपोनेंट है अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा तो इन्वायरमेंट का स्टेटस सपोज इस लेवल पर है ठीक है अगर इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ है तो प्रोजेक्ट का जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा वो कितना ज्यादा डिक्रीज हो रहा है आप देख सकते हैं इस लेवल तक नीचे तक आ रहा है लेकिन अगर इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हो रहा है यानी कि किस तरह मिटिगेशन स्ट्रेटजी को भी कंसीडर किया जा रहा है किस तरह से जो इफेक्ट है नेगेटिव इफेक्ट उसको कम किया जाए और बेनिफिट को बढ़ाया जाए अगर ये सारे ही फैक्टर्स को कंसीडर करके प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है यानी कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के साथ जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है सो देखिए इनवायरमेंट का जो लेवल है वो कितना आ, कम लेवल तक वो कम हुआ है ठीक है यानी इफेक्ट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बाद भी पड़ रहा है लेकिन वो इफेक्ट कम हो रहा है और इट अ इनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ब्रिज ठीक है सो सो ये गैप एक उसने बनाया इंपैक्ट so, असेसमेंट किस तरह से बेनिफिट है? करता है किस तरह से एनवायरमेंट को सेव कर रहा है आप देख सकते हैं इस डायग्राम में सिंप्लीफाई तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ओके इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट साइकिल

सब्सिक्वेंट स्टेप्स के लिए ग्राउंड प्लान बनाया जाता है ठीक है बाय मेकिंग प्रिलिमिनरी असेसमेंट फिर आता है बेसलाइन डेटा कलेक्शन बेसलाइन डेटा कलेक्शन डिस्क्राइब्स द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल स्टेटस ऑफ द स्टडी एरिया सो जिस एरिया में प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है उस एरिया का एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल स्टेटस क्या है ठीक है उसके लिए जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करना इज नोन एज द बेसलाइन डेटा कलेक्शन फिर आता है इंपैक्ट प्रेडिक्शन उस एरिया में क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं ठीक है जैसे कि डायरेक्ट प्राइमरी इंपैक्ट्स और इनडायरेक्ट या सेकेंडरी इंपैक्ट्स ठीक है डायरेक्ट इंपैक्ट क्या क्या होगा और उसके बनने के बाद इनडायरेक्ट इंपैक्ट क्या क्या होंगे ठीक है पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा निगेटिव इंपैक्ट क्या होगा उन सभी की स्टडी इंपैक्ट प्रोडिक्शन में आती है फिर मिटिगेशन मेजर्स एंड इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट अंडर मिटिगेशन मेजर्स फॉर एवरी प्रोजेक्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव शुड बी आइडेंटिफाइड एंड इनवाटल एट्रीब्यूट कंपेयर शुड कवर बोध प्रोजेक्ट लोकेशन एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजी सो मिटिगेशन बेसिस के अंदर ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज और ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट लोकेशन इन दोनों को भी कवर किया जाता है ठीक है और इसके बाद जो डिसीजन दिस, मेकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट के बिना या प्रोजेक्ट के साथ और ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट ठीक है यानी कि ऑल्टरनेटिव लोकेशन और टेक्नोलॉजीज़ इन तीनों में से में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस तरह से को कंट्रोल किया जा सकता है ओके okay? सो so, इन तीनों को ही पब्लिक मस्ट बी इंफॉर्म्ड एंड कंसल्टेटेड ऑन ए प्रोजेक्ट ठीक है सो right? so, जो नेटिव पीपल के उनको भी इनफॉर्म uh, करना जरूरी होता है प्रोजेक्ट के बारे में ठीक है कि क्या क्या डेवलपमेंट प्रोसेस हो रही है आपके एरिया में और साथ में इसका इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा राइट देन डिसीजन मेकिंग दिस प्रोसेस इन्वॉल्व कंसल्टेशन बिटवीन द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट एंड द इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ओके देन मॉनिटरिंग द्लियर कंडीशन मॉनिटरिंग शुड बी डन

ओके, सो इन सभी को कंसिडर किया जाता है रिस्क असेसमेंट में सो दिस इज अबाउट दी इन्वायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट साइकिल ओके सो फ्रेंड्स दिस इज अबाउट टूडे लेक्चर सो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द बेस्ट